हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कुडीज। मेरा नाम आशीष है और आज लेसन फोर्थ है। लेसन फोर्थ में हम रेस्टोरेंट ऐप में आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। स्पेशल मीन्स जैसे आज हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना सीखेंगे, साथ ही साथ बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे और उसके साथ साथ कंपोनेंट ऐड करेंगे, कंपोनेंट को राउट करेंगे। तो ये तीन चीज़ एक साथ करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को दिखा दूँ। अभी मेरा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इस पर जब बूट स्ट्रैप ऐड करेंगे तो देख लेना, ये सारी चीज़ें बहुत अनसिस्टमेटिकली ढंग से हो जाएगा, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, इनलाइन अभी इंटरनल बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं बूट स्ट्रैप यूज़ करने वाला हूँ 4.4 वर्जन। आप यहाँ से देख सकते हैं, गेटिंग स्टार्टेड पे आज जाके देख सकते हैं। ये देखो, यहाँ इंस्टॉलेशन का तरीका यहाँ बताया है। अगर आप CDN यूज़ करना चाहें, CDN भी यूज कर सकते हैं, बट हम इंस्टॉल करके प्रॉपरली बताने वाले हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए हम कमांड यूज़ करने वाले हैं। कमांड का देख लेते हैं। पहले यहाँ ऐड टर्मिनल करते हैं न्यू, और यहाँ पे करते हैं सबसे पहले npm इंस्टॉल हाइफन हाइफन सेव बूटस्ट्रैप, एंटर कर देंगे। और इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपका ये डाउनलोड करता है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली। आप देख सकते हैं ये बूटस्ट्रैप 4.4.1 इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हमें इंपोर्ट करना है अपने angular.js में। तो angular.json में आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इसका स्टाइल नाम से एक एरे होगा। ये स्टाइल नाम के एरे पे आपको पेस्ट करना है। पेस्ट क्या करना है, आपको सिंपली मॉड्यूल के अंदर जो है उसी को पेस्ट करना है, ये सभी लोग जानते हैं। सो मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको डायरेक्टली मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैं इसको यहाँ से पूरा इस कॉपी करा और इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, और इसी तरीके से स्क्रिप्ट पे भी हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ से आके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये चीज़ एक्चुअली इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इसे डायरेक्टली कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद आपको अगेन रन कराना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा अपना सर्वर, नहीं तो नहीं रन करेगा। तो मैंने टर्मिनल अपना क्लोज किया, अगेन कंट्रोल प्लस टिल प्रेस किया, अगेन ngs -o प्रेस कर रहा हूँ, जिससे कि हमारा अगेन हमारा पूरा सर्वर रिस्टार्ट सर्व हो जाए। ओके, तो इतना आपको करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से आपको अपने src पे आ जाना है। तो गाइस, अभी यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली सर्व हो चुका है और आप देख सकते हो ये ब्राउजर पे हमारा ओपन हो गया। अब ये देखो कितना अनसिस्टमेटिकली ढंग से है, तो ये बहुत गंदा दिख रहा है। अब इसको हमें सेट करना है पूरा अपने अकॉर्डिंग कंपोनेंट ऐड करना है। तो चलो कंपोनेंट ऐड करने के लिए हम आपको बताते हैं। आप यहाँ सिंपली प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कंपोनेंट ऐड करने हैं। तो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे हम आपको बता दें। यहाँ इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ऐड कंपोनेंट यूज़ करूँगा, उसके बाद अपडेट कंपोनेंट, आफ्टर दैट लिस्ट कंपोनेंट, उसके बाद लॉगिन कंपोनेंट और उसके बाद रजिस्टर कंपोनेंट। तो ये सारे कंपोनेंट यूज़ करने वाला हूँ। तो यूज़ करने के साथ साथ हम चलते हैं, देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली टाइप करेंगे ng, g फॉर जनरेट एंड c फॉर कंपोनेंट। आफ्टर दैट यहाँ पे नाम टाइप करेंगे एड रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट इंटर कर देंगे और कुछ सेकंड वेट करेंगे। ये कंपोनेंट जनरेट करके देगा, हमें चार फाइल कंटेन करके देगा और साथ साथ ऐप module.ts को अपडेट करके देगा। इसी तरीके से अगेन हम यहाँ पर ऐड की जगह अपडेट करेंगे, अपडेट रेस्टोरेंट एंटर कर देते हैं। स्पेलिंग कुछ मिस हो जाए तो उसका ध्यान न देना क्योंकि स्पेलिंग में क्या रखा है, हमें मेन चीज़ जो सीखना है वो सीखेंगे। अब यहाँ पर हम अपडेट के बाद लिस्ट करेंगे, तो यहाँ पे टाइप करेंगे लिस्ट, इंटर कर देंगे। अब लिस्ट वाला कंपोनेंट जनरेट होगा, ये सभी आपको मैं src के अंदर दिखाता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अब हम जनरेट करेंगे लॉगिन कंपोनेंट। सो टाइप हियर लॉगिन, कुछ सेकंड वेट करना है फिर ये जनरेट हो जाएगा। और सेम तुरंत उसी के बाद हम यहाँ पे रजिस्टर यूज़ कर लेंगे, रजिस्टर इंटर कर देंगे। ये हमारा चार पाँच कंपोनेंट है, पाँचों कंपोनेंट जनरेट हो चुका है, ऐड अपडेट लिस्ट लॉगिन एंड रजिस्टर। सो आपको ये सारे कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखो ऐप के अंदर ऐड रेस्टोरेंट, लिस्ट रेस्टोरेंट, लॉगिन, रजिस्टर एंड अपडेट, तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे बन चुके हैं। तो अब चलो देखते हैं इसको हम कैसे राउट करते हैं। सबसे पहले अभी देख लेते हैं हमारा ब्राउजर पे कोई इफेक्ट तो नहीं आया, यहाँ पे अभी देख लेते हैं।
यहाँ पे भी हमारा कुछ भी कहीं कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको राउट कर लेता हूँ। राउट करने के लिए ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस पे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर हम सबसे पहले पास करेंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट पे हम कंपोनेंट का नेम जैसे ही डालेंगे वो ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऐड रेस्टोरेंट कंपोनेंट डालते हैं। देखो जैसे ही फिल किया वैसे ही ऑटो फिल हो गया। अब यहाँ पे हम पाथ डिफाइन कर देते हैं। पाथ पे हम जो भी डिफाइन करेंगे वही हम राउट पे यूज़ करने वाले हैं। तो ऐड हम देते हैं यहाँ पे, इसको कॉमा करते हैं, इसी को कॉपी करके और 5 टाइम्स पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करा पेस्ट। अब यहाँ पे हम इस वाले को इरेज करते हैं और यहाँ पर डालते हैं अपडेट। अपडेट कंपोनेंट यूज़ किया और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपडेट कीबोर्ड। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ सेट कर लिया है, अपने राउट को डिफाइन कर लिया। अब इस अपने राउट को अपने हम यहाँ के लिए एक नैव बार चूज करते हैं। नैव बार कहाँ से हम लाएंगे, हम नैव बार यूज करेंगे गेट मॉड्यूल से, गेट बूट स्टेप से ही ले लेंगे क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट मिलेगा हमें। यहाँ पर आते हैं, इस लिंक को आप ओपन कर लेना और यहाँ पर आप एग्जाम्पल पे जाना। एग्जाम्पल पे यहाँ बहुत सारे आपको बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे, कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो इस कंपोनेंट्स में जो भी आपको बेस्ट समझ में आए वो यूज कर सकते हो। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ स्टिकी नैव बार, या कोई भी यूज़ कर लेता हूँ। सिंपल सा स्टार्टर यूज़ कर ले रहा हूँ। इसको मैं सिंपल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको कंट्रोल प्लस यू करने वाला हूँ। यहाँ से मुझे डायरेक्टली इसका सोर्स कोड दिख जाएगा और मैं यहाँ पर इस नैब से अपने नैब तक कॉपी कर लूँगा और यहाँ मैं कॉपी कर इसको पेस्ट कर लेता हूँ अपने HTML पर, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पर। इसको मैं कंट्रोल ए करता हूँ, इरेज करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा मैं। जैसे यहाँ पे मैं दूंगा रेस्टो एप्लीकेशन और यहाँ पे जो ये फालतू स्पैम है मैं इसको हटा देता हूँ, स्पैम टैग इसको इरेज करता हूँ। और यहाँ पर ये सारे मुझे नॉन यूज़ है तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। और ये फॉर्म भी मुझे यूज़फुल नहीं लग रहा, मैं इसको भी हटा देता हूँ अभी। और अब डायरेक्टली हमारा सिर्फ UL एंड LI वर्क करेगा और इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ सिंपली यहाँ पेस्ट। और यहाँ जो होम है यहाँ पर मैं सबसे पहले दे रहा हूँ ऐड ऐड रेस्टोरेंट या ऐड रेस्टो करता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे देता हूँ अपडेट रेस्टो, यहाँ पर लिस्ट रेस्टो, यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ और एक और ले रहा हूँ LI जिसपे मैं दे दूंगा रजिस्टर। यहाँ पे मैं देता हूँ रजिस्टर, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद एक बार देख लेता हूँ ये हमारा भी सही दिख रहा है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर आता हूँ और परफेक्ट, यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा दिख रहा है रेस्टो एप्लीकेशन रेस्टो। अभी जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ अभी हमारा लिंक अपीयर नहीं हो रहा। तो अब हम इस पर लिंक राउट को पाथ देने वाले हैं, तो पाथ कैसे देंगे वो देख लीजिए आप। उसके लिए हम बहुत कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ये जो ए टैग है, ए टैग को हम यहाँ पर HREF को हटा देंगे। HREF पे सिंपली टाइप करेंगे राउटर लिंक इज इक्वल और यहाँ पर सिंपली पास करेंगे ऐड, सॉरी Ctrl X, यहाँ पर ऐड है, ऐड यहाँ पे यूज करेंगे और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी पेस्ट कर लूंगा। यहाँ पर अपडेट है, अपडेट लिख दूंगा क्योंकि अपडेट राउट है। और यहाँ पर लिस्ट है, यहाँ पर लिस्ट लिख दूंगा। यहाँ पर लॉगिन है तो लॉगिन लिखूंगा और यहाँ पर रजिस्टर है तो रजिस्टर लिखूंगा और सेव कर दूंगा। एक बार रन करा के देख लेता हूँ, प्रोजेक्ट कोई एरर तो नहीं है, परफेक्ट। अब जैसे ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऐड यहाँ पर राउट आपको दिख रहा होगा, ऐड राउट अपडेट राउट लिस्ट लॉगिन एंड रजिस्टर, पर यहाँ पे हमारा कुछ रेंडर नहीं हो रहा। तो रेंडर कराने के लिए हम एक्चुअली यहाँ पर राउटर आउटलेट यूज़ नहीं किए, राउटर आउटलेट सेव करेंगे और उसके बाद देखते हैं वाला वर्क कर रहा है, अपडेट वर्क कर रहा है, ऐड रेस्टोरेंट वर्क कर रहा है, एंड लिस्ट रेस्टो वर्क कर रहा है, लॉग इन वर्क कर रहा है। ओके, तो ये सारा कंपोनेंट्स हमारा वर्क कर रहा है।